अभिषेक, एल्विश और मनीषा को इस समय जनता ऐसा कह रही है कि इनको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो और ये तीनों जो है एक साथ नजर आ सकते हैं दोबारा से। तो आखिर क्या हुआ ऐसा, ये आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदो। आपको बता दूं कि एल्विश हो या अभिषेक हो या मनीषा रानी हो, इन तीनों का जो रेट जो ट्रायल था वो हमेशा से जनता की नज़र में रहेगा और हमेशा इसको पसंद किया जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ जो लेवल इन्होंने सेट किया, या फिर यू कह लो कि यार जो लेवल ऑफ प्यार, जो लेवल ऑफ अप्रिसिएशन इनको मिला, वो सारा प्यार ये डिजर्व करते थे ये ट्रायो ने। मतलब एक हिसाब से यार एक एंटरटेनर था, एक जो गेम समझता था और एक बेबाक था। यानी कि अभिषेक जो है वो गेम समझते थे और एल्विश जो कि बेबाक थे, भाई किसी से कोई डर नहीं, बिंदास खुल के बोलना है, और वहीं मनीषा रानी थी जो एक परफेक्ट एंटरटेनर थी। तो तीनों का जो ट्रायो था, मेरे हिसाब से, मुझे पर्सनली, मैंने कितनी बार लाइफ में भी ये चीज़ बोली है कि मुझे नहीं लगता कि इन तीनों को बिग बॉस के घर में किसी के भी ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी, और ऐसा ही हुआ। लाइक चाहे वो एल्विश हो या अभिषेक हो या मनीषा हो, इन तीनों, भाई तीनों इतने स्ट्रांग थे, तीनों इतना सामर्थ्य रखते थे खुद की, इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई कोई तीसरा बंदा चौथा बंदा आके ओपिनियन दे कि आप ये गलत कर रहे हो या ये आप सही कर रहे हो। तीनों समझदार थे, तीनों समझते थे, और यही वजह है कि इन तीनों को इतना ज़्यादा पसंद किया गया था। लास्ट टॉप थ्री भी यही तीनों गए थे, जो कि बहुत पहले से प्रिडिक्ट हो चुका था कि भाई मनीषा, एल्विश और अभिषेक ये तीन ही लोग हैं जो टॉप थ्री दिखाई दे रहे हैं। बाकी पूजा बेबिका में फिर भी उतना दम हम नहीं मान सकते थे कि भाई टॉप थ्री जाएं, और कल तो यही चीज़ प्रूफ ही हो गई कि यार पूजा भट्ट को बेबिका से भी कम वोट मिले। तो ये एक थोड़ा सा बोलते हैं ना, रोस्ट कर रहे हैं लोग इस चीज़ पे पूजा भट्ट को कि भाई बेबिका से भी कम वोट मिले आपको और आप इतने बड़े बड़े बातें कर रही थी। तो जनता का ये मानना है फिलहाल, और देखा जाए तो बातें ऐसी हो रही हैं ट्विटर पे, और ये मतलब उठाया जा रहा है ये मुद्दा कि एल्विश, अभिषेक और मनीषा को किसी एक म्यूजिक वीडियो में एक साथ जो है लाया जाए, और इस तरीके की बातें हो रही है कि इन तीनों को कोई एक म्यूजिक वीडियो ऑफर हो जिसमें तीनों एक साथ दिखाई दें। इस पर आपकी क्या राय है? अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इसके लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।